अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आईटी लर्निंग टूर्स की जानिब से मैं हूँ फैजान अल सफर। इस नए वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह अपने माउस को ऑटो मूव करवा सकते हैं। तो अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई चीज़ अपलोडिंग पर लगा रहे हैं, जैसे हम डेली मोशन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या किसी और वीडियो के ऊपर, तो जैसे ही हम बाज़ फाइल्स लंबी होती हैं या अपलोडिंग लगा रहे हैं जैसे ड्रॉप बॉक्स के ऊपर, गूगल ड्राइव के ऊपर, तो वो हमारी स्क्रीन ऑफ हो जाती है। और अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो आपका वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है, वो प्रोसेस बाज़ बंद हो जाता है। तो उससे बचने के लिए, यानी कि अपनी स्क्रीन को एक्टिव करने के लिए और अपनी स्क्रीन को रिफ़्रेश रखने के लिए, तो इस ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को अगर आपने सीखना है कि किस तरह है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इसके अलावा अगर आपने हमारा आईटी लर्निंग ट्यूट्स का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी नई टिप्स एंड ट्रिक्स हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा आप हमारे जो कोर्सेज का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट कोर्सेज अपलोड करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, तो ताकि आपको वो भी मिलते रहें अपडेट्स। क्योंकि उसके अलावा आप यहाँ पे नोटिफिकेशन के बटन को एक्टिव कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो इसके लिए हम जो आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, ऑटो माउस मूवर, तो इसको आप लोग यानी कि इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत ही छोटा सा एक सॉफ्टवेयर है, यानी तकरीबन 300 KB का है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप गूगल से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं ऑटो माउस मूवर के नाम से। तो इसको मैं ओपन करता हूँ और मैं यस करता हूँ। तो इसमें बहुत सारे, ये देखें आपका हमारा माउस मूव हो रहा है। तो सबसे पहले ये आपसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग मांगेगा, तो वो पूछ रहा है कि माउस कितने सेकंड बाद मूव हो, तो यहाँ पे 5 सेकंड है। तो 5 सेकंड होने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड हाइड टू सिस्टम ट्रे, इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका माउस यानी कि ऑटो मूव के अंदर चला जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने सिस्टम को अपलोडिंग या कोई आपका ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें आपको सिस्टम ऑन हो, तो उसके अलावा अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको सिस्टम बहुत ज़्यादा लोडिंग में चला जाएगा, क्योंकि हर वक्त आपकी ये माउस कर्सर हिल रहा होगा, तो उससे थोड़ा सा आपसे सिस्टम स्लो होने का भी ख़तरा है। इसलिए अगर आप ये काम कर रहे हैं अपलोडिंग का वगैरह का, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें स्क्रीन ऑन होना ज़रूरी है, तो तब यूज़ करें, अदरवाइज़ वैसे फजूल में यूज़ ना करें। मैं यही आपको रेकमेंड करूँगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।